जी तो स्टूडेंट्स बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी को लिखना कैसे है, तो उसके लिए अभी हमने ये वीडियो बनाई है कि हम आपको बताएं कि प्रैक्टिकल कॉपी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी को आपने किस तरह लिखना है। तो ये देख लें कि हमदर्द की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल नोटबुक आपने परचेज़ करनी है, किसी भी बुक डिपो से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको आपने खोलना है। जब आप खोलेंगे इसको तो ये पेजेस को उलटते जाएँ तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 की आपको हेडिंग मिली। ठीक है, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 सारे का सारा लिखा गया है जी। ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसको आपने लिखना कैसे है, एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। इसको आपने अपनी राइटिंग के अंदर लिखना होता है। अभी आप इसको जब खोलेंगे कॉपी की दूसरी साइड, जब आप खोलते हैं तो आपको ये लाइनिंग पेजेस मिलते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। इनको आपने फिल करना होता है इन्हीं एक्सपेरिमेंट को लिखते हुए। ठीक है, तो ये जो मेन लाइन है इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 की हेडिंग देनी है। इसके अलावा आपने इस लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। इस लाइन के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 की हेडिंग देनी है। ठीक है जी, ये मेन हेडिंग हो गई आपकी। इसके अलावा आपने इस प्रैक्टिकल की ये जो हेडिंग है कि सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड, इसको आपने इस ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन के अंदर यहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है। सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड, जहाँ पे भी आपका ख़त्म हो वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना होता है। इसके अलावा आपकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं, वो आपने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करनी होती हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका अपरेटस है, गिलास प्लेट, चाइना डिश, पेपर हो गया, बार मैग्नेट हो गया। ठीक है जी, आप अपरेटस की सब हेडिंग दें ब्लू मार्कर की मदद से और फिर पॉइंट्स की सूरत में लिखें, या एक ही लाइन के अंदर आप इस सारे के सारे अपरेटस को आप लिख दें। पॉइंट्स की सूरत में लिखना बेहतर नहीं है क्योंकि आपके पास इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही पेज है, तो आपने इसी पेज को यूटिलाइज़ करते हुए इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को आपने लिखना होता है। ठीक है जी, उसके बाद आपने दूसरी सब हेडिंग देनी है। पहली आपने मेन हेडिंग इस प्रैक्टिकल की दे दी, पहली सब हेडिंग आपने दी अपरेटस की, दूसरी सब हेडिंग आपने दी केमिकल की, तीसरी और मेन सब हेडिंग आपने प्रोसीजर की देनी होती है। प्रोसीजर की आप इधर सब हेडिंग देंगे और उसके बाद पॉइंट्स की सूरत में आपने इस प्रोसीजर को लिखना होता है। और प्रोसीजर लिखते हुए एक बात आपने जहन में रखनी है कि इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को आपने पास्ट टेंस के अंदर रखना है। पास्ट टेंस के अंदर इसलिए रखना है क्योंकि ये जो प्रोसीजर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये बेसिकली ये आपको तरीकाकार बताया हुआ है, ना कि आपको करके दिखाया हुआ है। अभी हमने परफॉर्म भी इसको किया हुआ है। ठीक है, वो भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपने ये जो प्रोसीजर लिखना है ये बेसिकली परफॉर्मेंस के बाद लिखना है और आपने इसको पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड इन द चाइना डिश और ऑन गिलास प्लेट। इसको आपने लिखना कैसे है, आपने लिखना है आई हैव टेकन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन मिक्सचर, यानी कि मैं ले चुका हूँ, ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड इन द चाइना डिश और ऑन गिलास प्लेट। ठीक है जी, दूसरे पॉइंट को आपने लिखना है कि नाउ के बजाय आपने लिखना है देन आई टुक अ बार मैग्नेट एंड मूव्ड इट इन साइड द मिक्सचर, यानी कि बात का लुबी लुबाब यही है कि आपने इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को आपने पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका सारा का सारा प्रोसीजर आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि वो इसी इसी पेज के अंदर ही कवर हो जाए। ठीक है जी, आपकी तीन हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स अपरेटस, केमिकल और प्रोसीजर। प्रिंसिपल को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रिंसिपल को लिखना मेंशन नहीं करना। आपने पहली सब हेडिंग अपरेटस की देनी है, दूसरी सब हेडिंग आपने केमिकल की देनी है, तीसरी सब हेडिंग आपने प्रोसीजर की देनी है, चौथी सब हेडिंग आपने रिजल्ट की देनी है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हेडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विच इज़ अ रिजल्ट। आपने इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकाला है और उस रिजल्ट को आपने इसी सफ़े के ऊपर जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट पूरा लिखा है उसी के बिल्कुल नीचे करके आखिरी लाइन के ऊपर आपने रिजल्ट की सब हेडिंग देने के बाद आखिरी लाइन के ऊपर आपने उस रिजल्ट को मेंशन करना है, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स हैज़ बीन सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक बार। ठीक है जी, आपने रिजल्ट लिखना है, प्रिकॉशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक मेन सब हेडिंग देनी है उस एक्सपेरिमेंट की, जो कि एक्सपेरिमेंट की आपको बताएगा कि एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है। उसके बाद आपने चार सब हेडिंग देनी है, उनमें पहली सब हेडिंग अपरेटस की होगी, दूसरी केमिकल की होगी, तीसरी प्रोसीजर की होगी और चौथी सब हेडिंग आपकी रिजल्ट की होगी। ठीक है जी, रिजल्ट को लाजमी मेंशन करना है और यह किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है।